जितना हमारे पाल बघेल समाज के नेताओं ने हमारे समाज का पतन किया है, इतना किसी समाज के नेताओं ने पतन नहीं किया है। इसमें कांग्रेस और थोड़ा भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने भी एक भी पाल बघेल को विधायक बना ही नहीं पाया। कम से कम 50 सीटों पे है, उसमें राष्ट्रीय उदय पार्टी 10 से 12 सीटों पे एकदम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पार। इस समय मध्य प्रदेश ग्वालियर महाकुंभ में अपनी क्रांति लेकर के आए हैं राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी। लगातार उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ सकती है? जो ग्वालियर बेल्ट है ना मध्य प्रदेश का, ये बघेलों का बेल्ट है, लेकिन बघेलों ने अपनी ताकत भूल गए और ये दूसरों के पीछे चलने लगे, और दूसरों के पीछे चलने वाले को कभी सत्ता नहीं मिलती है, उसको बस लालीपाव दिखाया जाता है। तो अब जो है कि बघेल समझने लगे हैं कि हमारी जो खोई हुई सत्ता, जो राजमाता अहिल्या देवी होलकर, मल्हार राव होलकर जी ने संघर्ष करके सत्ता स्थापित किए हैं, आज लोकतंत्र में खो गई है, उसको हमको फिर से हम अपने दल अपने संगठन से ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय उदय पार्टी मजबूत हो रही है। आज 75 साल के लोकतंत्र की आज़ादी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और थोड़ा भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने भी एक भी पाल बघेल को विधायक बना ही नहीं पाया। भाई क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इनके मन में ये डर है कि जिस दिन ये बघेल जाग गए और बघेल संगठित हो गए और सत्ता अपने हाथ में लिए, अगर ये विधानसभा की सत्ता अपने हाथ में लेते हैं तो इनको प्रदेश की सत्ता हाथ में लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना पावरफुल समाज है, इसलिए इसको दबाया गया है। एकाध टिकट दे भी देते हैं ये तो वहाँ पे मदद नहीं करते। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। तो जब पार समाज के व्यक्ति को विधानसभा सीट दिया गया तो कहाँ चला गया भारतीय जनता पार्टी का संगठन? कुछ प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, एक्चुअली सच्चाई को जिताना ही नहीं चाहते हैं। ये हल कांग्रेस का भी है, ये एकाद जो टिकट दे करके पूरे प्रदेश का वोट लेंगे बजा बजा के। और जबकि सच्चाई ये है कि बघेलों में इतनी ताकत है कि अपने ये सर्व समाज के चहेते हैं, इनकी जो सोच है समझ है तो ये सब समाज के चहेते हैं, इनकी किसी जाति से दुश्मनी नहीं है, किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है। बस दिक्कत ये है कि ये पीछे चलना चालू कर दिए, अब वहाँ से राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको निकाल करके उनकी ताकत का एहसास करा रहे हैं और उनको जो है आगे चलने का रास्ता दिखा दे रहे हैं। और ये आगे चलेंगे, सर्व समाज इनके साथ में चलेगा, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम आज 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हम रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि अगला विधानसभा के चुनाव में 100% सत्ता में भागीदारी बघेलों की होगी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। मध्य प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय उदय पार्टी का संगठन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जैसा कि रथ यात्रा भी हमने सामाजिक न्याय रथ यात्रा यहाँ भी निकाली, और हमारे जो है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी माननीय इंजीनियर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जो है कि प्रदेश अध्यक्ष एसटी बघेल जी दिन रात पार्टी को संगठित कर रहे हैं, और हमारे जो है कि प्रदेश उपाध्यक्ष जो है कि दारा सिंह बघेल जी हैं, और हमारे जो है कि छत्तीसगढ़ प्रभारी रामवरण सिंह बघेल जी, मतलब टीम यहाँ पर अच्छी काम कर रही है। और राष्ट्रीय उदय पार्टी अकेले संघर्ष के साथ साथ एक मोर्चा बनाई है, तो मोर्चे के साथ राष्ट्रीय उदय पार्टी जो है कि चुनाव लड़ेगी, और इसमें हमारी मोर्चे की तैयारी कम से कम 50 सीटों पे है, उसमें राष्ट्रीय उदय पार्टी 10 से 12 सीटों पे एकदम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और एक बढ़िया रिजल्ट देगी। ग्वालियर संभाग में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? ग्वालियर संभाग में फिलहाल तो हमारा 5 प्रत्याशी तो एकदम ऑलरेडी अभी तक पड़े हुए हैं। कौन कौन प्रत्याशी, नाम बताएंगे? हमारे इंजीनियर साहब हैं जो कि ग्रामीण से हैं, ग्वालियर ग्रामीण से हैं, और मुरैना से जो है कि हमारे जो है कि दारा सिंह बघेल जी हैं, इतने के प्रत्याशी हमारे सब मजबूती से हैं, और भी हमारे प्रत्याशी काफ़ी बढ़ेंगे। चूँकि आप इतनी सीट 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें चुनाव जीत सकते हैं आपको लग रहा है? नहीं, अभी देखिए जितने हारने की तुलना अभी बोल देना और जल्दबाजी, ज़्यादा ही जल्दबाजी हो जाएगी। अगर आपका कोई प्रत्याशी जीतता है तो किसके साथ जाएंगे, भाजपा के साथ के कांग्रेस के साथ? देखिए अगर हम जीतते हैं तो हालात ये है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको सरकार बनाना होगा वो हमारे पास चल करके आएंगे,
तो कौन हमारे पास आता है वो हम देखेंगे उस समय पे। तो अभी कुछ कहने से आप बच रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे? देखिए बचने का मतलब जिसके साथ जो सत्ता होगी उसके साथ जाएंगे। देखिए उसे हमारा भी हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा तो अच्छा हम लोगों को रिजल्ट दिया है, एक मार्गदर्शन किया है कि हमारी किसी जाति धर्म से दुश्मनी नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों में भी हमारी किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी मेन लड़ाई है सत्ता में भागीदारी के लिए, क्योंकि हमको पीछे करने का काम तो सभी पार्टियों ने किया है, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। तो हमको दोनों हमारे लिए बराबर सेम है, दोनों ने हमारे साथ अन्याय किया है, दोनों ने हमको पीछे किया, लेकिन हम अपनी ताकत के साथ इकट्ठा होकर के हम आगे बढ़ेंगे। उस आगे बढ़ने में और साथ साथ हमारी कुछ लड़ाइयाँ हमारी मांग भी है, जैसे केंद्र में जस्टिस रोहिणी आयोग को लागू कराना है, और ये आयोग लागू होता है तो खास करके जो OBC का आरक्षण है ये लगभग 4-5 भागों में बांटा गया है, तो उसमें हमारा पाल बघेल समाज के साथ साथ और भी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज जो कि भागीदारी से बाहर वंचित हो रहा है, इनको भागीदारी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, तो इस रिपोर्ट पे कौन साथ में आता है, सरकार बनाने के साथ साथ हमारी हम अपने समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई में इसमें कौन जस्टिस रोहिणी की रिपोर्ट लागू कराता है वो एक प्रमुख है, साथ साथ उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की लड़ाई हमारी है, और मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश क्या मैं साथ साथ आज कहूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर खिलवाड़ या मजाक कह लें या तो पतन कर लें कह लें, जितना हमारे पाल बघेल समाज के नेताओं ने हमारे समाज का पतन किया है इतना किसी समाज के नेताओं ने पतन नहीं किया है। हर समाज के नेता अपने समाज के साथ मजबूती से खड़ा रहता है और उसके हक हथियार के लड़ता है, यहाँ तक कि अगर उसको मान सम्मान नहीं मिलता सत्ता को लात मार देता है, लेकिन हमारे समाज के नेताओं ने तो उस विधायक और सांसद बनने के लिए अपने इस राजनीतिक चमकाने के लिए समाज के साथ मजाक किया है। मजाक यह किया है कि आज 75 साल की आज़ादी में अभी हमारा समाज यही नहीं तय कर पाया कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। हम कभी कोई मांग करता कि ST में हमको दे दो, कोई मांग करता हमको घुमंतू का सर्टिफिकेट दे दो, कहीं मांग करता है SC का दे दो। अरे भाई सच्चाई इस धरती पर यह है कि जाति कभी जाति नहीं है, आप धर्म बदल लो तो भी आपकी जाति नहीं जाती है, यहाँ तक कि आप देश बदल लो तो भी आपकी जाति नहीं जाती है। तो आप जब मूल गडरिया हो, और गडरिया हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई अपमानित नहीं किया था, स्वाभिमान था गडरिया का, शान था गडरिया का, अब उससे क्यों शर्मा रहे हो? अरे जी गडरिया आपका हक है इस संविधान में, इस देश में आपका हक है, अरे जी गडरिया अपना हक लो और मजबूती से मांग करके लो, और जिस दिन हम इकट्ठा हो जाते हैं ते जो अपने राजनीति करने वाले कोई धर्म के नाम पे करता है, कोई भाई के नाम पे, कोई 85 के नाम पे, ये सब आपके पीछे पीछे घूमना चालू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि आज हमारे नेता दूसरों के पीछे घूम रहे हैं, भैया ST में डाल दो, भैया SC का सर्टिफिकेट दे दो, भैया घुमंतुक दे दो। तो यह बहुत गंदा मजाक हमारे समाज के नेताओं ने किया है, जो कि राष्ट्र उदय पार्टी सबको साथ में लेकर के मूल हम गडरिया हैं, तो हम गडरिया हैं, गडरिया की बात करते हैं, अपनी मान समाज के लड़ते हैं। बिल्कुल, तो इस समय राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबूराम पाल जी ने तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ बात की है और हमने उनसे जवाब भी लिए हैं। इसके बाद भी आपके कोई सवाल रह गए हों तो हमारे इस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस इंटरव्यू से लेकर का आपका क्या बयान है हमें लगातार बताते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोजक थे अल्ट्राटेक सीमेंट, मजबूती का वादा, प्रोप्राइटर बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व सरपंच चांदा, पता भिंड भांडे रोड लाहौर, मोबाइल नंबर 9329248। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।